हमारी बातें तुमको चुभेंगी, लेकिन ये भी तो सोचो, हम ऐसी सास हैं जिसने तुम्हें काफी छूट दी है। हम ही है जो तुम दोनों बहनों के प्यार, दोनों बहनों के संबंध को समझते हैं, क्योंकि हमारी भी एक छोटी बहन है जिसकी फिक्र हर पल हमें लगी रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे रिश्ते की मर्यादा, हमारी सीमा पार कर दें। समझ रही हो? आज तुमने जो किया वो सही नहीं था। आइंदा से हम ऐसी बेवकूफी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये घर, ये रिश्ते संजो के रखना पड़ता है। आज तो तुमने अपनी बहन की गृहस्थी में आग लगाई दी थी। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। अम्मत, अम्मत, अम्मत सुनिए ना। कुसुम। दीदी, दीदी सॉरी, ये सब क्या हो रहा है? मैंने चीजू को, अम्मा को बहुत नाराज कर दिया है ना, और आपको मेरे कारण सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। कितनी बार बोला है ना तुझे लक्षु कि तू जाने दिया कर चीजों को, क्यों पड़ी रहती है आदित्य के पीछे? देखा ना क्या हो गया, पूरे घर की शांति चली गई है। आदित्य को गुस्सा आता है, कड़वी बातें बोल जाते हैं वो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो धोखा देंगे मुझे, झूठ बोलेंगे। जो मुंह पे साफ बोल सकता है वो क्यों कुछ छुपाएगा? आज मुझे सुनना पड़ गया कि मैं अपने पति पर विश्वास नहीं करती। लक्ष्मी ये मेरा ससुराल है, अम्मा ने हमेशा मुझे अपनी पलकों पर बिठा के रखा है। आज तेरे साथ मैं भी उनकी नजरों से गिर गई। दीदी नहीं, रहने दो, आपसे कुछ नहीं बोलूंगी दीदी, सच। पता नहीं मुझे भी क्या हो जाता है, अगर अगर मेरे मन में कोई खटका बैठ जाता है ना तो छोड़ ही नहीं पाता मुझे। लेकिन लेकिन आइंदा से ऐसा नहीं होगा दीदी, प्लीज आप तो माफ कर दीजिए ना मुझे। मेरे माफ करने से क्या घर के बाकी लोग तुझे माफ कर देंगे?